बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फिरोजा एंड एमए क्वालिफिकेशन इज एमफिल केमिस्ट्री। आई एम लेक्चरर इन एम्स लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज आवर लेक्चर नंबर 11 एंड वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टोमेट्री। फर्स्ट, देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स आर एनालिटिकल टेक्निक्स दैट यूज अ मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल charge or current to determine an analyte concentration or characterize an analyte chemical techniques। ठीक है, means अगर आपने किसी भी जो है वो solution की potential difference find out करना है, charge find करना है या current find करना है, तो इसके लिए जो आप technique use कर रहे हैं उसमें different electrochemical methods हैं और ये methods को हम 5 different types में divide करते हैं। potentiometry, potential जो है वो measure करने के लिए, voltammetry, current को कॉलोमीट्री है, कंडक्टोमीट्री कंडक्टेंस मेजर करने के लिए, डाई इलेक्ट्रोमीट्री। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स जिनके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज और करंट को जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर और करेक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंडक्टोमेट्रिक एनालिसिस। इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ कैटायंस एंड एनायन टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, मीन जो कंडक्टेंस है किसी भी सॉल्यूशन की, अगर आपने कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यहाँ पर मीनिंग ये है जो कि चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। करंट जब आप देते हैं किसी भी सिस्टम को, करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट की प्रोवाइड करने की वजह से उसके जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आयंस की मूवमेंट के रिजल्ट में जो आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैयर करते हैं इन केस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक एनालिसिस। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एंटायरली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो आयंस के ऊपर डिपेंड करती है, मींस आपके आयंस की मूवमेंट जितनी फास्ट होगी उतनी उसमें कंडक्टिविटी या करंट जनरेट होगा। द एबिलिटी ऑफ एनी आयन टू ट्रांसपोर्ट चार्ज डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ आयन। यानी किसी भी चार्ज की एबिलिटी कि उसमें किसके ऊपर कितना चार्ज है वो डिपेंड करता है कि उसके आयंस की मूवमेंट और स्पीड कैसी है। ठीक है, द मोबिलिटी ऑफ एन आयन इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ आयंस, चार्ज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयंस एंड टेम्परेचर। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि अगर आप उसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो जितनी ही ज़्यादा आयंस की मूवमेंट होगी उसके रिजल्ट में आपके पास कंडक्टेंस भी उसकी ज़्यादा आएगी। एंड सेकेंड इज द चार्ज ऑफ आयन। चार्ज ऑफ आयंस मीन कुछ कैटायंस हैं, कुछ एनायंस हैं, तो इसमें साइज जितना उसका आयन का स्मॉल होगा उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो किसी भी सिस्टम का तो उसमें टेम्परेचर के ज़्यादा होने के रिजल्ट में आयंस की मूवमेंट फास्ट होगी। आयंस की जब मूवमेंट फास्ट होगी तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट करेंगे, उसकी कंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन आएगा। डिफरेंट टर्म्स यूज टेम्परेचर हैं। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी सिस्टम की इंक्रीज होगी। एंड नेचर ऑफ आयंस है उसमें साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका साइज कैसा है, आपके आयन का कैटायन है या एनायन है और उसका साइज स्मॉल है या वीक है। जैसे कैटायंस आप यूज़ करते हैं पॉजिटिवली चार्ज तो उसमें मोस्टली साइज जो है वो स्मॉल होता है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज है उसमें आयन जो है वो लार्ज है। एंड मॉलिकुलर वेट उसका कितना है, यानी कि आपके पास उसका जो है वो स्मॉल साइज है या लार्ज साइज है। एंड नंबर ऑफ चार्जेस द आयंस कैरीज, यानी कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, मीन्स उसके ऊपर 2+ है, 3+ है, 1+ है या 2-, 3- है, ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उस आयन के ऊपर। एंड लास्ट पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब आयंस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी किसी भी सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस भी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर और कंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन आता है कि वो आप जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी या टेम्परेचर जितना ज़्यादा आप सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आप यूज़ करते हैं। ओहम्स लॉ, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट मीन्स आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स जितना आप सिस्टम को करंट प्रोवाइड करते हैं उसमें उतना ही जो है वो करंट जनरेट होगा। जितना आपने सिस्टम को वोल्टेज अप्लाई किए हैं या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज, जितनी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाता है,
तो उतना ही उसमें करंट जनरेट होगा अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, मीन्स जो आपका करंट है, जो आपका सिस्टम है, उसमें जो करंट है वो क्या है, आपके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट आपका रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस क्या है, मोबिलिटी ऑफ आयन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स जो आपके आयन्स की मोशन को जो है उसके फ्लो को स्टॉप करेगी वो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपके पास जो है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना आप सिस्टम को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना सिस्टम में करंट जनरेट होगा और रेजिस्टिविटी उसकी उतनी ही कम होगी। ठीक है, जितना करंट ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी उतनी ही क्या होगी, सिस्टम की कम होगी। नेक्स्ट इज द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपके पास क्या है, सिंपल कंडक्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ करंट इन अ सिस्टम। ठीक है, करंट फ्लोस पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल अप्लाइड एंड रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। अभी हमने डेफिनेशन की ओम्स लॉ की, जिसमें वो आपके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कंडक्टेंस क्या है, मेजरमेंट ऑफ करंट है, और रेजिस्टेंस क्या है, आपके पास मेजरमेंट ऑफ ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि ये उसके क्या है, ऑपोजिट है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट टर्म्स है, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो करंट को मेजर करती है, और आपके पास रेजिस्टेंस उस चीज़ को मेजर करती है जो कि ऑपोजिशन आता है करंट के, करंट के जो ऑपोजिट चीज़ है उसको मेजर करेगी आपकी रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अब आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपका 1 सेंटीमीटर लेंथ ली गई है और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया लिया गया है। ठीक है, तो ये अगर आपको स्पेसिफाई कर दी गई ये चीज़ें, तो ये आपके पास जो रो है इसको आप कहते हैं, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू एरिया, ए आपके पास एरिया है और आर आपके पास रेजिस्टेंस है, और आपके पास एल क्या होगी, लेंथ। मीन्स जो आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो आपके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, इट इज ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस सब्सटेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया। ठीक है, मीन्स ये आपके पास के बी जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, और ये आपके पास किसके ऑपोजिट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऑपोजिट होगी। मीन्स ये आपकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। जैसे हमने यूज़ किया था फिजिकल केमिस्ट्री में, आप यूज़ करते हैं, एक आपके पास होता है इक्विवेलेंट वेट और आपके पास एक चीज़ है मोलेक्युलर वेट, तो दोनों आपके पास ऑपोजिट हैं। इक्विवेलेंट वेट के अंदर अगर आपने देखते हैं, जिस तरह आपके पास एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखते हैं तो उसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसमें आपने क्या करना है, उसके मोलेक्युलर वेट को नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन से डिवाइड कर देते हैं एसिड्स के केस में, और बेस के केस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सेम वही चीज़ है, जस्ट यहाँ डिफरेंस इसका आएगा, आपने जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है आपने वो यूज़ करना है। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी में आपने 1 जो है मोलेक्युलर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये यूज़ करेंगे, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया। ठीक है, मीन्स में लेंथ बताई गई है कि वो 1 सेंटीमीटर जो एक दूसरे से 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वो एक जितने डिफरेंस में होंगे, जो है वो आपको एरिया बताया, जो है आपको यहाँ पर जो है वो लेंथ बताई गई है, और आपके पास जो एरिया है वो कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप एरिया को और लेंथ को कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो आपके इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग होगी कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट होगी। ठीक है, और आपने जो वॉल्यूम यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हर जो है वो उसका इलेक्ट्रो वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। और अगर मोलर कंडक्टिविटी को म्यू वी से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी जो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, इसके अलावा मोलेक्युलर वेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलेक्युलर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी आपके इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं और इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है। वॉल्यूम यहाँ पर सेम वैसे ही फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया एंड सेकेंड जो है वो आपके पास क्या है, लेंथ और सरफेस एरिया जब आप कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस आप देखते हैं, तो इसके लिए आप कंडक्टिविटी मीटर यूज़ करते हैं। कंडक्टिविटी मीटर मेजर्स अमाउंट ऑफ करंट
और कंडक्टेंस इन अ सॉल्यूशन। अब जो कंडक्टिविटी या मीटर यूज कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, एक तो आपके पास इज अ वेरी हेल्थ ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज को आप कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंडक्टिविटी मीटर्स कॉमन इन वाटर ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग सिचुएशन एज वेल एज एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। एनवायरमेंट जो है वो एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज के अंदर भी आप कंडक्टिविटी मीटर यूज करते हैं, वाटर की पीएच जो है वो चेक करते हैं इसके थ्रू, उसकी कंडक्टेंस चेक करते हैं, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर द साइमन पर सेंटीमीटर आप यूज करते हैं, इसके सिंबल इसमें एस बाय सेंटीमीटर आप यूज करते हैं। देयर आर फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिविटी मीटर। The common laboratory conductivity meters imply a potentiometric method and four electrodes. Mean potentiometric method में जिस तरह आप यूज करते हैं इसमें four electrodes आप यूज करते हैं। इसके अलावा इसके जो electrodes होते हैं वो cylindric होंगे और किस form में होंगे, parallel form में। Electrodes are usually made up of platinum है, alternating current आप उसको apply करते हैं। और इसके अलावा आपके पास क्या है, conductivity could in principle be determined using the distance between the electrode and its surface area. And generally for accuracy, a calibration is employed using the electrolytes or well-known conductivity. ठीक है, इसके अलावा आपने सिस्टम को अगर कैलिब्रेट करना है, कैलिब्रेशन मीन्स आपने सिस्टम को चेक करना है कि आइदर ये ठीक है या नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए आपने उसके जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी मीटर, कंडक्टिंग टाइप कंडक्टिविटी मीटर एंड इंडक्टिव कंडक्टिविटी मीटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिंग टाइप कंडक्टिविटी मीटर जो है, मोस्टली इसमें आप सेंसर यूज करते हैं, यूजली स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम यूज करते हैं आप। इसके अलावा उसमें जो एनालाइजर आप करते हैं उसमें वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं और ये करंट आपके पास क्या करेगा, फीड जनरेट करेगा, आयंस को मूवमेंट करेगा, और जो है ये आपके पास करंट कौन सा होगा, आयनिक करंट होगा, क्योंकि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो प्रोड्यूस होगा। डायग्राम में देखते हैं, अगर आप ये आपका सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है और ये आपके टू इलेक्ट्रोड जो है वो शो किए गए हैं, ठीक है। आपके सिस्टम को जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया तो यहाँ पर करंट प्रोवाइड करने के रिजल्ट में आयंस की मूवमेंट स्टार्ट होगी, आयंस की मूवमेंट स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आपके पास जो रीडिंग आएगी वो आपके पास करंट जनरेट होगा, तो आप यहाँ से कंडक्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आयनिक करंट डिपेंड्स अपॉन द टोटल कंसंट्रेशन, ये जो आपके पास आयंस हैं, ठीक है, अब वो आपके पास सिस्टम में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। अब जितने आपके पास सिस्टम में ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे उतना ही, यानी कि लेंथ अगर आपके सिस्टम की ज़्यादा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वो आपके पास इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सिस्टम की कंडक्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। द रिजल्ट इज द कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मीन जितने आपकी आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस सिस्टम की कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट द इंडक्टिव, सेकेंड इज द इंडक्टिव कंडक्टिविटी मीटर। इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड लेस कंडक्टिविटी है, इसमें आप इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्ट जो है वो डिप नहीं करते, बल्कि आप अपने इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ मेटल कॉयल सेंसर कंसिस्टेड ऑफ टू वायर वाउंड मेटल ट्रॉइड्स इन केस्ड इन अ कोरोजन रेजिस्टेंट प्लास्टिक बॉडी, मीन्स यहाँ पर एक कॉयल फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट है आपका इलेक्ट्रोड, उसको आप प्लास्टिक बॉडी के साथ कवर करते हैं, और इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो डायरेक्टली किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप नहीं होगा, बल्कि वो प्लास्टिक के फॉर्म में जो है वो पैक होगा, फिर उसके अंदर उसको डिप करेंगे, ठीक है। वन टू राइट इज द ड्राइव कॉयल एंड अदर इज द रिसीव कॉयल, एक जो है इसमें टू कॉयल्स जो है वो आप यूज करते हैं, ठीक है। द सेंसर इज इमर्ज इन द कंडक्टिव लिक्विड, द एनालाइजर अप्लाइज, इसमें भी अल्टरनेटिंग करंट आप अप्लाई करेंगे एंड विच इंड्यूसेस द वोल्टेज इन द लिक्विड सराउंडिंग द कॉयल। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखते हैं तो ये आपके पास टू कॉयल है, एक प्राइमरी कॉयल है और एक सेकेंडरी कॉयल है। एक आपके पास क्या है, एक के थ्रू आप जो है करंट प्रोवाइड करते हैं, और एक आपके पास क्या है रिसीवर, जो कि आपको वोल्टेज जो है वो बताती है कि कितने वोल्टेज का है। ये प्लास्टिक के अंदर दोनों कॉयल जो है वो आपके पास सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो इसके रिजल्ट में आपके पास जो जितने भी सिस्टम के वोल्टेज आएंगे, कंडक्टेंस आएगी, तो वो आप इजीली कंडक्टिविटी मीटर, कंडक्टिविटी मीटर जो है उसके थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे। देर आर फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिविटी मीटर, क्या है कि जो टोराइड्स है डू नॉट नीड टू टच द सैंपल, क्योंकि इसके आप में प्लास्टिक की कवरिंग होगी, प्लास्टिक के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, इसी वजह से आप उसको डायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर डिप नहीं करते, वो आपका क्रोड भी नहीं होगा, डिफरेंट मेटल्स के साथ टच नहीं होंगे,
तो आप उसको इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं उसको, और इसके थ्रू आप हाई लेवल दो सस्पेंडेड सॉलिड्स की भी कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स नेचर जो है वो जिस तरह की भी हो आप उसके थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इंडक्टिव सेंसर्स आर आइडियल एंड मेजरिंग सॉल्यूशन हैविंग द हाई कंडक्टिविटी। इसके अलावा हाई कंडक्टिविटी सॉल्यूशन प्रोड्यूस अ लार्ज एंड इजीली मेजर्ड इंड्यूस्ड करंट इन द रिसीव, ठीक है, मींस के अंदर आप जो है वो इंड्यूस्ड आपका जो रिसीव कॉइल है उसके थ्रू आपको कंडक्टिविटी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। दे कैन बी क्लीन विद अ सोप एंड सॉल्वेंट्स, कैन उसको आप इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। इंडक्टिव सेंसिटिविटी हैव अ फेयरली लार्ज होल व्हिच परमिट्स टू देयर फ्री फ्लशिंग, यानी इजीली आप उसको वॉशेबल भी कर सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडक्टिविटी टोटली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे जैसे आप अपने सिस्टम को रिलैक्स टेम्परेचर जितना ज़्यादा देंगे तो सिस्टम की कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ज़्यादा देंगे आयंस की मूवमेंट ज़्यादा होगी जिसके रिजल्ट में सिस्टम की कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी मीटर, इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन द कंसनट्रेशन मेजरमेंट, यानी कि कंडक्टिविटी मीटर को आप कंसनट्रेशन मेजरमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन एंड इट आल्सो यूज इन द लीकेज ऑफ डिटेक्शन, मीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अगर कोई पाइप की लीकेज है तो उसमें आप कंडक्टिविटी मीटर यूज कर सकते हैं। एंड इट इज आल्सो यूज इन वाटर यूज फॉर कूलिंग, इन हीट एक्सचेंजर एंड सर्फेस कंडेंसर में भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हीट एक्सचेंजर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, अगर आपने चेक करनी है कि आपकी कंडक्टेंस कितनी है तो उसके आप उसकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे कि आपके जो हीट एक्सचेंजर के अंदर कितनी क्वांटिटी में अमाउंट जो है कितनी अमाउंट के अंदर आयनिक सॉलिड्स जो है वो प्रेजेंट है, उनको आपने किस तरह से रिमूव किया जा सकता है।